दुर्भाग्य रहा है देश का कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यही लगता है कि भारत नाम के देश का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ, जैसे इसके पहले देश था ही नहीं। और कल मैं हैरान था, इसको मैं अहंकार कहूं या नासमझी कहूं या वर्षा ऋतु के समय अपनी कुर्सी बचाने का प्रयास कहूं, जब ये कहा गया कि देश को नेहरू ने लोकतंत्र दिया, देश को कांग्रेस ने लोकतंत्र दिया। अरे खरगे साहब, कुछ तो कम करो। जरा मैं पूछना चाहता हूं, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आपको पता होगा ये हमारा देश जब लोकतंत्र की बात करते हैं, हमारा देश जब लिच्छवी साम्राज्य था, जब बुद्ध परंपराएं थी, तब भी हमारे देश में लोकतंत्र की गूंज थी। ये कांग्रेस और नेहरू जी ने लोकतंत्र नहीं दिया। बौद्ध संघ एक ऐसी व्यवस्था थी जो चर्चा, विचार, विमर्श और वोटिंग के आधार पर निर्णय करने की प्रक्रिया चलाता था। और श्रीमान खड़गे जी, आप तो कर्नाटक से आते हो, कम से कम एक परिवार की भक्ति करके कर्नाटक के चुनाव के बाद शायद आपकी यहां बैठने की जगह बची रहे, लेकिन कम से कम जगत गुरु बसवेश्वर जी का तो अपमान मत करो। आपको पता होना चाहिए, आप कर्नाटक से आते हो, कि जगत गुरु बसवेश्वर थे जिन्होंने उस जमाने में अनुभव मंडपम नाम की व्यवस्था की, 12वीं शताब्दी में, और गांव के सारे निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से होता था। और इतना ही नहीं, विमेन एम्पावरमेंट का काम हुआ था, उस सदन के सभा के अंदर महिलाओं का होना अनिवार्य हुआ करता था। ये जगत गुरु बसवेश्वर जी के कालखंड में लोकतंत्र को प्रस्थापित करने का काम 12वीं शताब्दी में इस देश में हुआ था। लोकतंत्र ये हमारी रगों में है, हमारी परंपरा में है। और बिहार के अंदर इतिहास गवाह है, लिच्छवी साम्राज्य के समय किस प्रकार से हमारे यहाँ, अगर हम प्राचीन इतिहास की तरफ गौर करें तो हमारे यहाँ गणराज्य की व्यवस्था हुआ करती थी 2500 साल पहले। ये भी लोकतंत्र की परंपरा थी, सहमति असहमति को हमारे यहाँ मान्यता थी। आप लोकतंत्र की बात करते हो, श्रीमान मनमोहन जी की सरकार में मंत्री रहे हुए और आप ही की पार्टी के नेता, उन्होंने अभी अभी जब आपके पार्टी के भीतर चुनाव चल रहा था तो उन्होंने मीडिया को क्या कहा था, उन्होंने कहा था जहांगीर की जगह पे शाहजहां आए, शाहजहां की जगह पे औरंगजेब आए, क्या वहां चुनाव हुआ था क्या, तो हमारे यहां भी आ गए। आप लोकतंत्र की बात करते हो, आप लोकतंत्र की बात करते हो, आप लोक
लोकतंत्र की चर्चा करते हो, मैं जरा पूछना चाहता हूं वो कौन सा लोकतंत्र की चर्चा करते हैं? जब आपके पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी हैदराबाद के एयरपोर्ट पर उतरते हैं, वहां के आप ही के पार्टी के चुने हुए मुख्यमंत्री, शेड्यूल कास्ट के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे, और लोकतंत्र में विश्वास की बातें करने वाले लोग, जिस नेहरू जी के नाम पर आप लोकतंत्र की सारी परंपरा समर्पित कर रहे हो, श्रीमान राजीव गांधी ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतर करके एक दलित मुख्यमंत्री, उनको खुलेआम अपमानित किया था, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री पीएनडीए का अपमान किया। आप लोकतंत्र की बातें करते हो, अरे आप लोकतंत्र की चर्चा करते हो, तब सवाल ये उठता है, और ये तेलुगु देशम पार्टी, ये एंटी रामाराव उस अपमान की आग में से पैदा हुए थे, उस अपमान की आग में से पैदा हुए थे। टीएनजे का अपमान हुआ, उनका सम्मान करने के लिए रामाराव को अपना फिल्म क्षेत्र छोड़ करके आंध्र की जनता की सेवा के लिए मैदान में आना पड़ा। आप लोकतंत्र की बात समझा रहे हो? इस देश में 90 से अधिक बार धारा 356 का दुरुपयोग करते हुए राज्य सरकारों को, उन राज्यों में उभरती हुई पार्टियों को आपने उखाड़ के फेंक दिया। आपने पंजाब में अकाली दल के साथ क्या किया? आपने तमिलनाडु में क्या किया? आपने केरल में क्या किया? इस देश के लोकतंत्र को आपने पनपने नहीं दिया। आप अपने परिवार के लोकतंत्र को लोकतंत्र मानते हो, और देश को आप गुमराह कर रहे हो। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र, जब आत्मा की आवाज उठती है तो उनका लोकतंत्र दबोच जाता है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में नीलम संजीव रेड्डी को पसंद किया था, और रातों रात उनके पीठ में छुरा फोंक दिया गया, अधिकृत उम्मीदवार को पराजित कर दिया गया। और ये भी देखिए, इत्तेफाक से वे भी आंध्र से आते थे, पी अंजैया के साथ किया, आपने संजीव रेड्डी के साथ किया। आप लोकतंत्र की बात बताते हो? इतना ही नहीं, अभी का डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री, कैबिनेट ने निर्णय किया, लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संस्था, संविधान के द्वारा बनी हुई संस्था, आपकी आपकी की पार्टी की सरकार और आपकी पार्टी के एक पदाधिकारी पत्रकार वार्ता बुला करके कैबिनेट के निर्णय को प्रेस के सामने टुकड़े कर दे, आपके मुंह में लोकतंत्र शोभा नहीं देता, आपके मुंह में लोकतंत्र शोभा नहीं देता। और इसलिए कृपा करके आप हमें लोकतंत्र के पाठ मत पढ़ाइए। मैं जरा और एक इतिहास की बात आज बताना चाहूं, क्या सच नहीं है? जब देश में कांग्रेस में नेतृत्व करने के लिए चुनाव हुआ, 15 कांग्रेस कमेटियां, उसमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था।
था, किसी को भी वोट नहीं देने का निर्णय किया था, उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया, वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। अभी दिसंबर में क्या ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव था कि ताकपोशी थी? आप ही के पार्टी के एक नौजवान ने आवाज उठाई, वो अपना उम्मीदवारी पत्र भरना चाहता था, आपने उसको भी रोक दिया। आप लोकतंत्र की बातें करते हो, मैं जानता हूं ये आवाज दबाने के लिए इतनी कोशिश नाकाम रहने वाली है, सुनने की हिम्मत चाहिए।